हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, इग्नू की तरफ से प्रोजेक्ट सबमिशन लिंक फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन 2024। सो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको कुछ गाइडलाइंस भी देखने को मिलेंगी। सो इन सभी गाइडलाइंस के बारे में फ्रेंड्स इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है और किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप स्किप नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं अलर्ट सेक्शन में ये लिंक पोस्ट किया गया है। दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए फ्रेंड्स आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे लास्ट डेट के बारे में। सो लास्ट डेट अभी करंटली इग्नू की तरफ से 30th of November बताई गई है। गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट्स थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन। सो ऑनलाइन आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन सबमिट कराना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो आपको इग्नू के हेडक्वार्टर्स पर सबमिट कराना होता है। अगर हम फाइनल प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर साइनोप्सिस की बात करें तो फ्रेंड्स साइनोप्सिस आपको आपके रीजनल सेंटर पर सबमिट कराने होते हैं। उसके अप्रूवल के बाद ही आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं। सो अगर आपने अभी तक अपने साइनोप्सिस बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो रही है, सो फ्रेंड्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं gulibaba.com से। फ्रेंड्स यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अदरवाइज फ्रेंड्स आप मेन्यू बार में इग्नू प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन देख रहे हैं। आप यहां से रेडीमेड इंस्टेंट डाउनलोड एंड कस्टमाइज प्रिपेयर्ड फॉर यू का ऑप्शन देख रहे हैं। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां से भी परचेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अगर आपके प्रोग्राम का हिस्सा है तो फ्रेंड्स आपको आपका प्रोजेक्ट बनाना है और सबमिट कराना है। जैसे कि इग्नू के बहुत से प्रोग्राम है, BTS, MCOM, MBA, MBA की सभी डिसिप्लिन में आपको आपका प्रोजेक्ट सबमिट कराना होता है। सो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स है जिसमें आपको आपका प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। सो अगर आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना है तो उसके लिए लिंक जारी कर दिया गया है। आप इस लिंक से अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर DECE04 का आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराना। अगर आप DECE प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आपके पास कोर्स कोड है DECE04 जो प्रोजेक्ट का कोर्स कोड है, तो आप इस पोर्टल से फ्रेंड्स वो सबमिट नहीं कराएंगे, ना ही साइनोप्सिस एंड असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। सो ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गाइडलाइंस के बारे में। सो सबसे पहले आपको बताया गया है कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सबमिट ना कराएं, बिल्कुल भी इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन और ना ही आपको इग्नू की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन सेंड किया जाएगा रिगार्डिंग द इनकम्प्लीट सबमिशन। इग्नू की तरफ से आपका इनकम्प्लीट सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर डेट ओवर हो जाती है, जैसे कि 30th of November लास्ट डेट बताई गई है, लास्ट डेट से पहले आप करेक्शन नहीं करते हैं, अपना सही प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराते हैं, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट सेशन में अपलोड योर सबमिशन अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन। आपको नेक्स्ट सेशन में दोबारा से अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट कराना होगा, उसी को ही इवेल्युएट किया जाएगा। द यूनिवर्सिटी विल नॉट एंटरटेन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फ्रेंड्स आपको गाइड का बायोडाटा लगाना जरूरी है, ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट भी आपको जरूर अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना होता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स साथ ही साथ जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपके प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज पर होने जरूरी है। द फर्स्ट पेज और द फ्रंट पेज ऑफ द PDF फाइल मस्ट कैरी द करेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द लर्नर एज गिवन बिलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप प्रैक्टिकम, जो भी आप सबमिट करा रहे हैं उसका टाइटल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेम ऑफ द लर्नर, आपका नाम होना चाहिए। प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर एज मेंशन इन द आईडी कार्ड। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर, कंट्रोल नंबर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, सो वो सब आपको नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है। आईडी कार्ड से आप चेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। रीजनल सेंटर का कोड होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए जिसका भी आप प्रोजेक्ट अटैच कर रहे हैं। आपका वर्किंग कंडीशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना भी जरूरी है। इन केस द प्रोजेक्ट इज नॉट फाउंड इन ऑर्डर एज पर द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड नो कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन द रिगार्ड टू द लर्नर। सो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, आपके प्रोजेक्ट से कुछ मिसिंग है या फिर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं की, तो उसे इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और ना ही इसके बारे में आपको कुछ बताया जाएगा। सो प्रेफरेबली आप इसको बिल्कुल सही तरीके से बनाएं, सही तरीके से सबमिट कराएं। जो जो गाइडलाइंस यहाँ पर आपको बताई गई है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उन सभी का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना है दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, तो फ्रेंड्स आपको उसके लिए आपकी फीस भी पे करनी है। द प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन फी एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट्स जनवरी 2023 से
सेशन के बाद जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है फ्रेंड्स, उन्हें अपने प्रोजेक्ट की फ़ीस सबमिट करनी है। अप टू 4 क्रेडिट आप प्रोजेक्ट वर्क की फ़ीस सबमिट करेंगे 300 रुपीज़, और अबव 4 क्रेडिट प्रोजेक्ट वर्क की फ़ीस है फ्रेंड्स 500 रुपीज़। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंशन किया गया है, द स्टूडेंट मस्ट सबमिट द कॉपी ऑफ द रिसीट ऑफ पी फे अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे फ्रेंड्स हार्ड कॉपी में या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर, ये आप पर डिपेंड करता है, बट आप अपनी फी रिसीट को उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। ये इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप पोर्टल है, इसी पोर्टल से आप अपने एग्जाम की फीस सबमिट कराते हैं। थ्योरी एग्जामिनेशन के साथ साथ फ्रेंड्स आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की फीस भी इसी पोर्टल से सबमिट कराते हैं। सो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए आपको फी मेंशन की गई है। अगर आपने अभी तक फी पे नहीं की और आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, सो बिफोर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट आप अपने लिए फीस जरूर पे कर दीजिए, अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट है वो इवेल्युएट नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो project@ignu.ac.in पर आप मेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, आपकी सभी क्वेरीज का आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। सो ये सभी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको इग्नू की तरफ से दी गई हैं, जो आपको फॉलो करनी जरूरी है। 30th of November लास्ट बताई गई है, अभी आपके पास समय है। सो इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन मोड से अपना प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट आप यहां से सबमिट करा सकते हैं। सो यहां पर आप बॉटम पर देख रहे हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो में आप यस पर क्लिक करेंगे, सो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू अपलोड प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट। सो जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन अपलोड प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप का पोर्टल ओपन हो जाएगा। वेलकम टू द स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, तो यहाँ से एनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है, एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करनी है, साथ ही साथ सिक्योरिटी कोड भी आप यहाँ पर लिखेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप इजिली अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे थे डिसम्बर एग्जामिनेशन के लिए इग्नू की तरफ से पोर्टल रिलीज कर दिया गया है, जहाँ आप ऑनलाइन अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज आपको इग्नू की तरफ से मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट इवेल्युएट नहीं होगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी फ्रेंड्स। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो।